सो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ओप्पो के फोन्स अपनी ब्रांड वैल्यू और तगड़ी कैमरा क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, तो इसी को देखते हुए आज के वीडियो में हम टॉप 5 बेस्ट ओप्पो फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको 20,000 से 30,000 की रेंज में मिल जाएंगे और इनमें आपको कैमरे की क्वालिटी तगड़ी मिल जाएगी, जिससे आप रील्स बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं या डे टू डे भी कैमरे का यूज करते हैं, तो इनमें आपको टॉप नॉच कैमरा क्वालिटी मिलने वाली है। इसके अलावा इन फोन्स को हमने पावरफुल प्रोसेसर के साथ भी रखा है, जिससे आप गेमिंग करते हैं या कोई भी हैवी यूजर्स करते हैं, तो इनमें आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और कुछ फोन्स रिसेंटली भी लॉन्च हुए हैं, तो उन्हें भी हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है ओप्पो A79 स्मार्टफोन। गाइस, अगर आपको 20,000 की रेंज में कोई तगड़ी कैमरा क्वालिटी के साथ आने वाला ओप्पो का स्मार्टफोन लेना हो, तो आप ओप्पो A79 को कंसीडर कर सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस फोन में मिल जाता है मिररेक डायमेंसिटी 6020 प्रोसेसर, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है, और गेमिंग भी इसमें आप स्मूथली कर पाएंगे। कैमरे की बात करें, तो इसमें रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 15 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का मिलता है, और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें, तो ये फोन 6.72 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ का और ब्राइटनेस 680 निट्स की मिल जाती है। वहीं इसकी बैटरी कैपेसिटी को देखें, तो ये फोन 5000 एमएएच की बैटरी लेके आता है और चार्जिंग इसमें 33 वाट की मिल जाती है। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 13 मिलता है, जो कलर ओएस पर बेस्ड है, और ये फोन IP54 की रेटिंग और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी लेके आता है, और डिजाइन वाइज भी ये फोन प्रीमियम दिखता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो यदि इसमें आप इसकी 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को लेते हैं, तो ये फोन आपको 20,000 में मिल जाता है। सो अगला फोन है नंबर 4 पर ओप्पो F21S प्रो स्मार्टफोन। गाइस, 5000 की रेंज में आने वाला ओप्पो का ये फोन प्रोसेसर और कैमरे दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी लेके आता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस फोन में मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, जो कि काफी अच्छा चिपसेट है और मल्टीटास्किंग भी स्मूथली करा देता है। इसके कैमरे की बात करें, तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल और बाकी दो कैमरा 2+2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस और मोनोक्रोम लेंस मिल जाते हैं, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है, और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें 6.43 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और इस डिस्प्ले में आप मूवीज देखते हैं या कोई भी कंटेंट देखते हैं। वीडियो क्वालिटी इसमें तगड़ी मिल जाती है, और ये डिस्प्ले 600 निट्स ब्राइटनेस लेके आती है। बैटरी की बात करें, तो ये फोन 4500 एमएएच की बैटरी के साथ आता है, और चार्जिंग इसमें 33 वाट की मिल जाती है, और ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लेके आता है। तो फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं, तो ये फोन आपको 25,000 में मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है ओप्पो F21 स्मार्टफोन। गाइस, ओप्पो का ये फोन डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी डिसेंट लेके आता है, लेकिन बाकी सभी फीचर्स इसमें काफी अच्छे मिलते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस फोन में मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, जो कि एक डिसेंट चिपसेट है, और गेमिंग भी इसमें आप अच्छी खासी कर पाएंगे। कैमरे की बात करें, तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा एक सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस मिल जाता है, और सेल्फी कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है, और इस फोन में भी आप फुल एचडी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। डिस्प्ले की बात करें, तो फोन 6.72 इंचेस की LTPS LCD डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 120 हर्ट्ज़ का फास्ट रिफ्रेश मिल जाता है, जो कि इसके डिस्प्ले को और भी स्मूथ बना देता है, और इसके डिस्प्ले में 680 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। बैटरी की बात करें, तो ये फोन 5000 एमएएच की बैटरी लेके आता है, और चार्जिंग इसमें 67 वाट की मिलती है, और ये फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और एंड्रॉइड वर्जन 13 के साथ आता है। तो फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं, तो ये फोन आपको 24,000 के अराउंड मिल जाता है। सो नंबर 2 पर है ओप्पो रेनो 8T स्मार्टफोन। गाइस, 25,000 से 30,000 की रेंज में आने वाला ओप्पो का ये फोन प्रोसेसर तो अच्छा लेके आता ही है, साथ ही इसमें कैमरे की क्वालिटी भी टॉप नॉच मिल जाती है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस फोन में मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, जो गेमिंग और डे टू डे टास्क के लिए काफी अच्छा है। कैमरे की बात करें, तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल और बाकी दो कैमरा 2+2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें, तो ये फोन 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, तो इसमें आप कंटेंट भी काफी अच्छी क्वालिटी में देख पाएंगे, और ये डिस्प्ले कर्व पैनल के साथ भी आती है। बैटरी की बात करें, तो इसमें 4800 एमएएच की बैटरी मिलती है, और चार्जिंग इसमें 67 वाट की मिल जाती है। तो इसके कुछ खास और अदर फीचर्स को देखें, तो इसमें 950 निट्स ब्राइटनेस और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, और फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें भी इन डिस्प्ले मिलता है, और डिजाइन वाइज भी फोन काफी प्रीमियम दिखता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं, तो ये फोन आपको 26,000 में मिल जाता है, जो कि इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग वर्थ इट भी है। और गाइस, इस फोन की प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन भी चल रही है, तो अगर आपको इसकी प्राइसिंग ज्यादा दिखती है, तो आपको इसे ज्यादा प्राइस में नहीं लेना है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 11। गाइस, ओप्पो का ये फोन एकदम न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है, और ये फोन 30,000 की बजट में मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड भी है, क्योंकि इसमें आपको सारे फीचर्स तगड़े मिल जाते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसमें मिलता है मिररेक डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर, जो कि मिररेक का काफी पावरफुल चिपसेट है, और परफॉर्मेंस भी है तगड़ी लेके आता है। इसके कैमरे की बात करें, तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और तीसरा कैमरा 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और इसके टेलीफोटो लेंस में सोनी का फ्लैगशिप कैमरा सेंसर IMX709 यूज किया गया है, जो कि काफी तगड़ी कैमरा क्वालिटी लेके आता है, और सेल्फी कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है, और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। डिस्प्ले की
बात करें तो इसमें 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और एसडीआर 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ भी आता है, जो कलर ओएस पर बेस्ड है। बैटरी एसिड की बात करें तो इसमें 5000 एमएएच की बैटरी मिल जाती है और चार्जिंग 67 वाट की लेके आता है। तो फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8 जीबी रैम 128 जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 30,000 में मिल जाता है।